Hello students, how are you? I hope you all are fine there and safe at your home and enjoy your online classes. So, हमने हमारे अगले वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 तक पढ़ा था, तो आज हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है What were you doing? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है एक राइड जो हम लोग मेले में देखते हैं। हम गुजराती में चकदोर बोलते हैं, ठीक है? चकदोर से हम गोल राउंड बोल सकते हैं इंग्लिश में, गोल राउंड वाले इस तरीके का, ठीक है? तो अभी हमें कुछ उससे रिलेटेड इट्स पिक्चर्स रिलेटेड वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो आपको लिखना है। वेयर इज इट फाउंड, ये कहाँ पर हम लोग आप देखते हैं। Have you ever taken a ride in it? क्या आपने इस पे कभी आपने इसको कभी इसका राइड किया, इसकी मतलब आप जो हम लोग जैसे गोल गोल होता है ना जो उस पे जो ये है उस पे आपने राइड किया है कभी? नंबर 4, टेल योर क्लास अबाउट योर एक्सपीरियंस राइडिंग ऑन इट। आप अपने क्लास में बोलिए कि मैंने इसके बारे में किया, उसके बारे में आप बोलिए, ठीक है? सो नेक्स्ट पेज नंबर is 24, ठीक है? सो ये है एक्टिविटी 2, वीनू, क्या नाम है इसका? वीनू। वीनू क्लाइम्ड अप अ ट्री, ही सैट ऑन ब्रांच, ही वॉज कटिंग द सेम ब्रांच, एन ओल्ड मैन सॉ द बॉय, ही सैट, ओ वीनू डोंट कट दैट ब्रांच। वीनू वो जो ट्री होती है, यानी जो ये आप देख रहे पिक्चर में ये जो ट्री है, ये पूरी पेड़ है उसकी से हम ब्रांच बोलते हैं, वहां से वो कूदने जा रहा है और वो ब्रांच को कट करने जा रहा है। एंड उसको एक बूढ़े एक एल्डर ओल्ड मैन ने उसको देख लिया, तो उसने क्या बोला कि वीनू तुम ये मत करो, तुम ब्रांच को कट मत करो। You will fall, the boy laughed at the old man. तो वो जो बूढ़े आदमी थे वो बोलते हैं कि तुम गिर जाओगे, और जो वीनू था वो उस पे हंसने लगा, ओल्ड मैन पे हंसने लगा। He did not follow his advice, और उसने उनकी एडवाइस को माना नहीं, वो ऐसा ही करना जैसे उसके मन में आया। He continued to cut the branch. वो ब्रांच को कट करने के लिए कंटिन्यू करता रहा, करते गया। He fell down and broke his leg. वो नीचे गिर गया और उसके जो पाव है वो फ्रैक्चर हो गया। तो आपको वही पिक्चर के हिसाब से सेम टू सेम यहाँ पे पोयम लिखनी है, ठीक है? जैसे आपने लिखा है, वीनू क्लाइम्ड अप अ ट्री, ही सैट ऑन अ ब्रांच, he was cutting the same branch, फिर he said, oh Veenu, that branch you will fall, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर इज 25, एज फ्रॉम एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग लेटर्स। सो यहाँ पे आपको जो लेटर दिए गए वो आपको पहले पढ़ना है, ठीक है? टीना लिव्स इन अ टाउन कॉल्ड हलोल। टीना नाम की एक लड़की वो एक टाउन में रहती है जिसका नाम है हलोल। इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल विलेजेस, और वो जो छोटे छोटे गांव नहीं होते हैं वहाँ उसके वहाँ पर आता है, उसके वहाँ पर है वो। एंड इट इज नॉट फार फ्रॉम वडोदरा, और वो वडोदरा से दूर नहीं है। लास्ट मंथ पिछले महीने टीना विजिटेड अ विलेज फेयर नियर हलोल, और पिछले महीने टीना ने एक गांव में घूमी थी, वो जो हलोल टाउन है उसके पास में ही था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद she visited a trade fair in Vadodara, और वो जो वडोदरा में जो ट्रेड फेयर यानी क्या होता है
जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उसको हम ट्रेड फेयर बोलते हैं। तो जो वडोदरा है उसके वहाँ पे जो ट्रेड फेयर है वो उसने वहाँ पे वो घूमी थी। शी रॉट अ लेटर टू हर फ्रेंड मीना, उसने अपनी फ्रेंड मीना को एक लेटर लिखा। हु लिव्स इन भुज, जो भुज में रहती है। हेलो, उस लेटर का आपको फोटो यहाँ पे दिया गया है। हेलो, 25 जुलाई 2014। डियर मीना, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 15 जुलाई। आई वॉज हैप्पी टू रीड अबाउट योर विजिट टू धोलावीरा। आई विजिटेड टू डिफरेंट फार्म लास्ट मंथ एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट देम। हलोल, 25 जुलाई 2014 25 जुलाई 2014 उसने लिखा। ये लेटर की फोटो दी है। डियर मीना, प्रिय मीना, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 15 जुलाई। धन्यवाद तुम्हारे एक पत्र के लिए। लेटर यानी पत्र होता है जो हम लोग लिखते हैं एक दूसरे को, लिखते हैं कि नहीं वो 15 जुलाई, तुम जो तुमने 15 जुलाई को जो लेटर भेजा था उसके लिए थैंक यू। आई वॉज हैप्पी टू रीड अबाउट यू अबाउट योर विजिट टू धोलावीरा। मैंने उसमें तुम्हारे जो धोलावीरा जहाँ पे तुम गई थी उसके बारे में पढ़ा। आई विजिटेड टू डिफरेंट फेयर्स लास्ट मंथ, मैंने अगले महीने बहुत सारे अलग अलग जगह पर घूमी थी मैं। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट देम, और मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट आई विजिटेड अ विलेज फेयर बिटवीन हलोल एंड पावागढ़। पहले मैं जो हलोल है और पावागढ़ के जो बीच में फेयर आता है वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे मैं घूमी थी। वी वेंट देयर इन एन ऑटो रिक्शा, हम लोग वहाँ पे ऑटो रिक्शा से गए थे। देयर वेयर टू स्मॉल टेम्पल्स आउटसाइड अ स्मॉल विलेज, जो छोटा सा गांव था उसके बाहर दो बहुत ही ज्यादा अच्छे मंदिर और छोटे मंदिर थे। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, और मैं अपने जो माता पिता है उनके साथ वापस गई थी। वी रीच्ड देयर इन द इवनिंग, हम लोग आपको वापस शाम को गए थे। द ओपन ग्राउंड बिटवीन द टू टेम्पल्स वॉज फुल ऑफ पीपल, और जो मीन्स जहाँ पे ओपन ग्राउंड खुला मैदान नहीं होता है उसे हम जो खुला मैदान है जो दो मंदिरों के बीच में, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। देयर वेयर मैनी शॉप्स, और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, टॉय शॉप्स, स्वीट शॉप्स एंड कलरफुल बाजार, वहाँ पे खिलौने का सामान मिलता है। वहाँ पे खिलौने की दुकान थी और मिठाई की दुकान थी और कलरफुल बाजार नाम का एक शॉप था ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइटम्स, अच्छे अच्छी चीज़ें थी। सम चिल्ड्रन वेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप, बहुत सारे बच्चे जो टॉय शॉप थी उसके सामने खड़े थे। दे वे आर लुकिंग एट अ स्मॉल प्लेन प्लान, वो जो छोटा सा आप विमान जो खिलौने वाला होता है वो उसको देख रहे थे। द शॉपकीपर वॉज शोविंग धैन द प्लेन, और शॉपकीपर ने देखा कि वो प्लेन को देख रहे हैं, जो हवाई जहाज होता है उसको देख रहे हैं। द चिल्ड्रन लाफ्ड विथ जॉय एंड क्लैप्ड लाउडली, और जो बच्चे थे वो जोर जोर से हंसने लगे और ताली बहुत जोर से बजाने लगे। वी ऑल्सो सॉ अ मैरी गो राउंड एंड अ जायंट व्हील, हम लोगों ने राक्षस की जो कार मतलब जो व्हील होती है उसको देखा, और मैरी गो राउंड जो वहाँ पे राक्षस की जो व्हील थी उसको भी देखा। द मैरी गो राउंड वॉज क्यूट स्मॉल, और जो मैरी गो राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। बट अ जायंट व्हील वॉज रियली ह्यूज, लेकिन जो जायंट व्हील था वो बहुत ही याद लायक रखना, वो ऐसा दिन था याद लायक रखने का। नेक्स्ट, द प्लेस वॉज फुल ऑफ नॉइज,
और वो जगह बहुत ही ज्यादा आवाजों से भरी थी। वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। देयर वेयर मैनी लाउड स्पीकर्स प्लेइंग फिल्म सॉन्ग्स। और यहाँ पे जो डीजे होते हैं ना, डीजे आप लोग जानते ही होंगे, वो बज रहे थे बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस में। फिल्म के सॉन्ग नहीं होते, वो बज रहे थे। देयर वेयर मैनी चिल्ड्रन इन द जी एंड व्हील में बहुत सारे बच्चे थे। दे वेयर शाउटिंग इन एक्सिटीमैन, और वो एक्सिटीमैन बहुत ज्यादा शाउटिंग कर रहे थे। वी सॉ अ जगलर टू, ही वॉज प्लेइंग विथ फाइव बॉल्स एंड वॉज स्किपिंग ऑल ऑफ दैम इन द एयर। हमने जगलर को भी देखा जो कि पांच बॉलों से खेल रहा था, और वो जैसे जो नहीं होते जोकर होते ना, वो जैसे पांच बॉलों का ऐसे ऐसे हाथ में करते रहते, वो उसका कहने का मतलब ये है, वो एयर में उछालता है ना, वो उस तरीके का। इट वॉज वंडरफुल, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, वी विजिटेड अ ट्रेड फेयर इन वडोदरा। हम कुछ दिनों बाद हम लोगों ने वडोदरा में फेयर में घूमा। इट वॉज अ स्कूल ट्रिप, वो एक स्कूल की ट्रिप थी। वी वैन देयर ऑन अ संडे, हम लोग संडे को वापस गए थे। वी वैन बाय अ बस, हम लोग वहाँ पे बस की मदद से गए थे। देयर वॉज नो एंट्री फी, वहाँ पे अंदर जाने की बिल्कुल भी एंट्री फी नहीं थी, वहाँ पे अंदर जाने के पैसे नहीं लगते थे। द होल ग्राउंड वॉज फुल ऑफ लार्ज स्टॉल्स, और जो छोटा सा ग्राउंड था वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े स्टॉल से भरा था। देयर वेयर मैनी स्टॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टीवी, वीसीआर एंड म्यूजिक सिस्टम्स। स्टॉल्स यानी क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलती है, जैसे कि टीवी, डीजे, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, ये सब। द गर्ल्स ऑन द काउंटर्स वेयर वेल ड्रेस्ड, और जो काउंटर पे जो गर्ल्स थी वो ड्रेस को बहुत ही अच्छी थी। दे वेयर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ विजिटर्स विद अ स्माइल, और वो जो विजिटर्स उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्हें उनका जवाब दे रहे थे वो। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर इज 26। देयर वॉज अनदर नाउ ऑफ स्टॉल्स फॉर थिंग्स लाइक फ्रिज एंड वॉशिंग, वहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन होती है, जिसमें आपके घर पे भी होगी, बहुत सारे लोगों के घर पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज तो ज़्यादातर सबके घर में ही होती है। तो जो वॉशिंग मशीन, वहाँ पे वॉशिंग मशीन की स्टॉल थी और फ्रिज की भी स्टॉल थी। वन सेल्समैन वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ मिक्सर ग्राइंडर, और वहाँ पे एक जन मिक्सर ग्राइंडर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता रहे थे। टू यंग वुमेन वेयर आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस, और जो दो महिला थी, लेडीज थी, वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसे हम कैसे यूज करते हैं। वी वेंट राउंड एंड सॉ एवरीथिंग, हम लोग पूरा वो घूमे और हम लोगों ने सब कुछ देखा। एट द अदर एंड ऑफ द फेयर, जहाँ पर वो फेयर खत्म होता है, देयर वेयर सम फास्ट फूड स्टॉल्स, और वहाँ पे फास्ट फूड की भी बहुत सारी स्टॉल्स दुकानें थी। माई फ्रेंड्स ऑर्डर पिज्जा एंड आई ऑर्डर द ग्लास ऑफ लस्सी, मेरे दोस्तों ने पिज्जा मंगाया और मैंने जो लस्सी की जो ग्लास होती है वो मंगाई। वी सैट डाउन फॉर अ वाइल एंड सेवर्ड द फूड, और हम लोग बैठे थे और देख रहे थे कि कोई फ्रूट को जो खाना होता है उसको कुछ कर तो नहीं रहा है। देयर वेयर अ कपल ऑफ स्वीट शॉप्स, और जो मिठाई की दुकान थी वहाँ पे पति पत्नी वो मिठाई की शॉप बेच रहे थे, मिठाई की दुकान वो चला रहे थे। बट वी डिड नॉट बाय एनी स्वीट, हम लोगों ने कोई भी मिठाई नहीं ली। वी कैम बैक इन द इवनिंग, और हम लोग शाम को वहाँ से लौटे। ओके आई विल स्टॉप नाउ, अब मैं रुकती हूँ। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने माता पिता की बातें माने। योर सिंसियरली टीना,
तुम्हारी प्यारी टीना। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जितना भी मैंने समझाया है यूनिट 3 में वो आप लोगों को अच्छे से समझना है। ऑल राइट, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको आपका होमवर्क ये है कि आपको यूनिट 3 जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपको पढ़ना है और जितना भी इसमें लिखा हुआ है वो आपको लिखना है और यूनिट 3 में जो यूनिट 3 है उसको आपको स्वाध्याय पोथी में भी वो पूरी करनी यानी अपनी वर्क बुक में भी पूरी करनी। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे एट होम एंड स्टे एट सेफ।